स्टेट एंड प्रूव बेस थ्योरम। तो सबसे पहले बेस थ्योरम होती क्या है, तो लेट्स से अगर हमारे पास से कोई दो इवेंट है और हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि हमें गिवन है कि इवेंट बी हो रहा है और इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर ये हमें डिटरमाइन करना है तो ये होती है इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, कि हमें गिवन है कि इवेंट ए हो रहा है तो इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ओके, अब ये तो हो गया बेस थ्योरम, अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होती क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को हम लिखते हैं व्हाट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ अब यहां से अगर हम देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ओके, नाउ इसे और सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, अब यहां से अगर हम देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं बी बाई ए कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो वो हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नाउ बी इंटरसेक्शन ए को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम होता है, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, और इंटू में क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हमें ये प्रूफ करना था बेस थ्योरम का, तो हमने ये प्रूफ थ्योरम कर दी, यही हमारी बेस थ्योरम थी और ये हमने प्रूफ कर दी। हमने क्या करा यहाँ पे, यहाँ पे हमने बी बाई ए निकाला है जबकि यहाँ पे हमने ए बाई बी के लिए लिख रखी है, बस फर्क इतना सा है। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस।